पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं और खबर है कि इसी दौरान वो आर्म ड्रोन MQ-9 प्रीडेटर की खरीद को मंजूरी भी दे सकते हैं। भारत 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। आपको बताते चलें कि इसे हंटर ड्रोन कहा जाता है और इसी ड्रोन से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा चीफ आयमान अल जवाहिरी को मार गिराया था। अब हम आपको बताते हैं कि MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की खासियत क्या है। ये ड्रोन सभी मौसम में 30 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ान भर सकता है। 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। ये 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने की वजह से दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते। इसमें दो लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये ड्रोन इन बिल्ट वाइड एरिया मैरीटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और एक सेल्फ कंटेंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी SUW किट से लैस रहता है। इसे ऑपरेट करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि जमीन पर मिसाइल से यह हमला करता है, पनडुब्बियों को खोज कर नष्ट करता है, बारूदी सुरंगों का पता लगाता है और दूर के हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच ये सौदा क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले रक्षा खरीद परिषद ने आर्म ड्रोन MQ-9 प्रीडेटर की खरीद को मंजूरी दे दी। अब इसे आखिरी मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मिलनी है। $3 बिलियन में 30 MQ-9 ड्रोन अमेरिका से लिए जाएंगे। आर्मी एयरफोर्स को 8-8 और नेवी को 14 ड्रोन मिलेंगे। अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी इस डील को मंजूरी दे सकते हैं। MQ-9 प्रीडेटर आर्म ड्रोन को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के रूप में देखा जाता है। एक्सपर्ट्स लंबे वक्त से चीन और पाकिस्तान के ड्रोन को बॉर्डर से दूर रखने के लिए इसकी जरूरत बताते रहे हैं।